आगरा में ब्लॉक बरौली अहीर के बुढ़ाना गांव निवासी नेपाल सिंह ने एसएससी में लगातार दो बार चयनित होकर शहर का नाम रोशन किया है। परिणाम आने के बाद उनके गांव के लोगों ने उनका जमकर सम्मान किया। वहीं नेपाल सिंह के अनुसार अब जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के बाद उनका प्रयास अब आईएएस ऑफिसर बनना होगा। आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर के बुढ़ाना गांव निवासी नेपाल सिंह वर्तमान में नागपुर में विभागीय लेखाकार के पद पर तैनात हैं। 2019 में एसएससी पास करने के बाद उन्हें ये नौकरी मिली थी। 2020 में दोबारा प्रतिभा करने के बाद सोमवार को परिणाम आया तो उन्होंने परीक्षा पास करने के बाद जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति मिलने वाली है। नेपाल सिंह अब नागपुर जाकर रिजाइन कर नई नौकरी ज्वाइन करेंगे। नेपाल सिंह के पिता सौराज सिंह किसान हैं और उनके दो बड़े भाई सरकारी विभागों में ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। परीक्षा परिणाम आने के बाद मंगलवार को जब वो गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। नेपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने अब यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है। बीते 6 माह से वो इसी में जुट गए हैं। पढ़ाई के साथ नौकरी कर आईएएस अधिकारी बनने का मेरा बचपन का सपना है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। वही परिवार भी इसमें पूरी मदद कर रहा है। मेरा एसएससी सीजीएल 2020 का रिजल्ट आया था शाम को करीब 8 बजे, और जिसके तहत मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। और घर में बहुत खुशी है, पिताजी, भैया, भाभी, चाचा, चाची, बच्चे बहुत खुश हैं, और गांव से भी कई लोग बधाइयां दे रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं पिछले 3.5 साल से गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ, और उससे पहले मैंने सरकारी नौकरी के लिए कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करी थी। क्योंकि घर में माहौल बड़ी तंग हाली और गरीबी का था स्टार्टिंग में, तो हम लोग कुछ करना चाहते थे। स्टार्टिंग में कोई प्रेरणा नहीं थी, केवल कुछ करना था, इसलिए स्टार्टिंग करी केवल सरकारी नौकरी के लिए। और सरकारी नौकरी के चक्कर में इतना कुछ हो जाएगा, मैं सीजीएल 2019 से भी डिविजनल अकाउंटेंट हूँ, वो भी बी क्लास ऑफिसर की जॉब है मेरी, और अभी मैं नागपुर में तैनात हूँ। प्रेरणा घर की गरीबी तंगहाली को देखते ही अपने आप स्वतः ही आई। इसके लिए घर वालों ने काफ़ी प्रेरणा खुद से दी कि बेटा कुछ करो, पढ़ाई करो, और ये चीज़ें जब बहुत डेली इनकलकेट करी गई, डेली बोली गई, तो अपने आप ही प्रेरणा स्वतः ही आई। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।